दौसा में बीजेपी के लोकसभा सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि मेरी तरह सक्षम लोगों को आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैं आपके सामने बैठी हूं, जबकि मैं तो ना कॉलेज में पढ़ी ना स्कूल में पढ़ी। कहते हैं नदी में बेडोल पत्थर गिर जाता है तो पानी के थपेड़ों से गोल हो जाता है। अब जब मैं सांसद बन गई तो मैंने अपने बच्चों को आरक्षण का लाभ छुड़वा दिया। हम खुद यह मानते हैं कि आज हम सक्षम हुए हैं तो कम से कम हमारी कम्युनिटी के 5 गरीब बच्चों को पढ़ाएं। उन्होंने कहा, मैं 158 बच्चियों को इस साल फ्री पढ़ा रही हूं, अगले साल और करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ, जब तक सबका प्रयास नहीं जुड़ेगा तब तक काम नहीं होगा। छोड़े नहीं, मैंने छोड़ा हुआ है। मैं आपके सामने बैठी हूँ जबकि मैं तो ना कॉलेज पढ़ी ना स्कूल पढ़ी। हम तो यूं ही गुड़कते गुड़कते, वो कहते हैं ना कि नदी में गिर जाता है बेडोल पत्थर, पानी के थपड़ों से गोल होता है, हम वो हैं। लेकिन अब जब मैं बन गई, मैंने अपने बच्चों का आरक्षण बिल्कुल छोटा भी नहीं दिया। लेकिन हम खुद ये मानते हैं कि आज हम सक्षम हुए तो हम कम से कम 5 बच्चों को, हमारी कम्युनिटी के गरीब बच्चों को पढ़ाएं। मैं 158 बच्चों की, 158 बच्चियों की इस वर्ष 20 किताबें, उनका यदि स्कूल की फीस जितनी भी चाहे हो जहाँ पढ़ते हैं, और यदि मेरे यहाँ संस्था में हॉस्टल में है तो फ्री। आज 158 बच्चियों को हमने किया, अगले साल और आएगा तो और करेंगे। हम बराबर उस आदर्श को मानकर चलने वाले हैं क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उस विचारधारा को आत्मसात किए हुए हैं। इसलिए सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जब तक नहीं जुड़ेगा। सांसद जसकौर मीणा ने कहा, राजस्थान के बीजेपी सांसद केंद्र सरकार के सामने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का मुद्दा भी जरूर उठाएंगे। केंद्र सरकार ही इस योजना को पूरा करेगी, राजस्थान की सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है। मीणा ने कहा, राजस्थान सरकार तो हमारे ऊपर कर्जा और छोड़कर जाएगी। केंद्र ही इसको पूरा करेगी, राजस्थान की सरकार इसको कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, ये तो कर्जा और छोड़ के जाएंगे। जब मीडिया ने पूछा कि गहलोत सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही है, इस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री और सरकार को यह समझ में नहीं आता राष्ट्रीय परियोजना कैसे घोषित होती है। कम से कम 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का पानी प्रतिवर्ष मिले, उस संपूर्ण क्षेत्र को पेयजल मिले और कम से कम 3 साल तक का पानी का स्टॉक उस क्षेत्र में राज्य के पास होना चाहिए, तब जाकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है। लेकिन राजस्थान सरकार के पास तो 6 महीने के पानी का स्टॉक बनाने की भी योजना नहीं है। लेकिन इनको ये समझ नहीं आता राजस्थान के मुख्यमंत्री और सरकार को कि राष्ट्रीय परियोजना कैसे घोषित होती है। कम से कम 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का पानी मिले प्रतिवर्ष, इसके अलावा उस संपूर्ण क्षेत्र को पेयजल मिले और कम से कम उसका 3 साल तक का स्टॉक पानी का उसके पास होना चाहिए, तब जाके कहीं राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है। इनके पास तो 6 महीने का स्टॉक बनाने की भी योजना नहीं है, तो ये राष्ट्रीय योजना कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी इसके मापदंड है भैया। और इस मापदंडों के हिसाब से नदियों को जोड़ने का प्रकल्प जो अटल जी के समय स्टार्ट हुआ था, मोदी जी पुनः उसको चालू करेंगे तभी जाकर हमारा ये काम होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।